हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आर यू पीपल रेडी टू मेमोराइज द 10 फाइलम्स ऑफ द नॉन क्वाड्रेटिक ग्रुप। इन द लास्ट यू कैन सी वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस किया था कि एक नया सीरीज यू कैन सी स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग बेसिक कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को यू कैन सी व्हाट एक अलग अंदाज में क्या है स्टडी करेंगे, स्पेशली टू मेमोराइज द थिंग्स। ओके, तो उसी सीरीज में आज बारी है टू लर्न टू मेमोराइज द 10 फाइलम्स ऑफ द नॉन क्वाड्रेटर। तो रेडी स्टूडेंट्स, लेकिन इसके पहले ओके कुछ इंस्ट्रक्शन देता हूँ, और जिस इंस्ट्रक्शन को मैं आप दूंगा उसके हिसाब से अगर आप फॉलो करोगे यू कैन सी द स्टडी विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, और थोड़ा सा यू कैन सी मस्ती भी होगा। और एक सॉन्ग की बात करते हैं तो मैं तो लता मंगेशकर बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन यू कैन सी वॉट हम लोगों का टारगेट है टू लर्न एंड वी विल लर्न बाय यू कैन सी इन ए फनी मैनर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। तो पहला तो एक सॉन्ग को हम लोग क्रिएट करेंगे। ओके, इस सॉन्ग को मैंने क्रिएट किया है और यू कैन सी आई एम वेरी मच प्राउड दैट इस सॉन्ग को मेरे बहुत सारे एक्स स्टूडेंट आज भी गुनगुनाते हैं। ओके, नाउ तो एक तरीका है सॉन्ग का। दूसरा है यू कैन सी वेरी शॉर्टकट की जो बेसिक तरीका है। ओके, और ये दो तरीके जो मैं आपको बताऊंगा ये आप यूज कर सकते हो सिमिलर टाइप के दूसरे कंसेप्ट में। आप खुद भी सॉन्ग क्रिएट कर सकते हो, आपको हिंट मिल जाएगा सॉन्ग कैसे क्रिएट करना है। तो किसी भी यू कैन सी मूवी का भी सॉन्ग आप यू कैन सी यूज कर सकते हो टू फिट इनटू ए पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो रेडी हो जाइए स्टूडेंट्स, और आपको मेरे पीछे आज गाना है। ओके, तो ऑल ऑफ अस यू कैन सी आर बाथरूम एक्सलेंट बाथरूम सिंगर्स। ओके, तो शर्म जो है शायद आ रही होगी उसको आपको भूलना है आज। ओके, और मेरे पीछे आपको गाना पड़ेगा। ओके, और मैं जब यू कैन सी आपको स्टार्ट करूंगा गाना उसके पीछे ओके उसी सीक्वेंस में जिस पैटर्न में मैं आपको बोलूंगा उसी पैटर्न में आपको यू कैन सी व्हाट गाना लर्न करना है। एंड 2 मिनट, 2 गारंटी है मेरा, 2 मिनट के अंदर आप ये सारे 10 फाइलम पायर हो जाएंगे। ओके, अगर आपने प्रॉपरली यू कैन सी सिंसियरली फॉलो किया। ओके, शर्माना नहीं है। ओके, मैं भी नहीं शर्माऊंगा, मैं लता मंगेशकर तो नहीं हूँ। ओके, तो थोड़ा सा यू कैन सी वॉट हंसी आ सकती है आपको। ओके, मेरे आवाज के पीछे। लेकिन सबसे पहले बारी है कि ये 10 फाइलम के जो नाम है उसको एक्यूरेटली प्रोनाउंस करना, नहीं तो होगा क्या कि नेचुरली गाना बिगड़ जाएगा आपका। ओके, तो चलिए, तो पहला जो वर्ड है वो क्या है, पोरीफेरा, पोरीफेरा। ओके, दूसरा है सीलेंट्रेटा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कोइलेंट्रेटा कहते हैं, कोइलेंट्रेटा कह देते हैं। तो स्पेशली द वर्नैक्युलर मीडियम्स के, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, तो इनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। इंग्लिश मीडियम के कुछ बच्चे नेचुरली रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, इट इज सीलेंट्रेटा। ओके, और आज जो थोड़ा सा एसेंट रहेगा वो इंग्लिश टाइप का रहेगा, अंग्रेजी की तरह हम लोग खड़ा रखे हैं। ओके, नाउ तो पोरीफेरा फिर सीलेंट्रेटा, तो ऑलरेडी इन द लास्ट यू कैन सी वीडियो मैंने ये सब एक्सप्लेन किया था। ओके, हमने इन 10 फाइलम के बारे में के तो थोड़ा समराइज कर लिया था अलोंग विद द एग्जांपल, आज गाना गाना है। ओके, तो पोरीफेरा फिर सीलेंट्रेटा देन टीनोफोरा, सी साइलेंट है स्टूडेंट, ने तो सटेनो बोलोगे आप लोग। ओके, तो इट इज टीनोफोरा, फिर प्लैटी हेलमिंथस, फिर एस्क हेलमिंथस। आप एश बोलिए या एस्क बोले तो ना जी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पेलिंग आपको करेक्ट लिखना है दोस्तों। तो रिमेंबर यू कैन सी आप कैसे भी प्रोनाउंस करो ये आपका यू कैन सी एसेंट है, लेकिन स्पेलिंग आपका यू कैन सी करेक्ट रहना चाहिए, बिकॉज आपको राइटिंग जो एग्जाम देने हैं। देन एनालिडा, अन्ना याद रखना, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, मोलुस्का, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। वो सारे स्टूडेंट्स को इचिनो कहते हैं, इट इज नॉट इचिनो, इट इज इकाइनो, इकाइनोडर्मेटा। एंड लास्ट इज हेमीकॉर्डेटा। तो करेक्ट यू कैन सी व्हाट यू कैन सी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीस 10 फाइलम्स। ओके, तो उसका यू कैन सी हिंदी में भी लिखा हुआ है आपको, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। ओके, और करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सबसे पहले यू कैन सी एश्योर कीजिए कि आप करेक्ट प्रोनाउंस कर रहे हैं, तभी जाके गाना एकदम परफेक्ट फिट बैठेगा। ओके, तो फिर से एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, पोरीफेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लैटी हेलमिंथस एस्क हेलमिंथस एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का इकाइनोडर्मेटा हेमीकॉर्डेटा। चलिए स्टूडेंट, तो एक बार फिर से पढ़ लीजिए, मेरे पीछे पढ़ना है अभी आपको, पढ़िए, पोरीफेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लैटी हेलमिंथस एस्क हेलमिंथस एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का
इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा। तो हो गया तैयार। चलिए अब बारी है सॉन्ग। इस सॉन्ग को मैंने चार पार्ट्स में या चार स्टैंजा में क्या है डिवाइड किया। तो हम लोग पहले स्टैंजा वाइज क्या है थोड़ा सा इसको दिमाग में फिट करते हैं। तो रेडी स्टूडेंट्स? तो बिल्कुल हंसना नहीं है, ओके? शुरुआत में हंसी आ सकती है, बीच में भी हंस सकते हैं, हंसी को थोड़ा रोकिए और इंजॉय कीजिए। चलिए स्टार्ट। तो मैं जरा जरा ठीक कर लेता हूँ, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला स्टैंजा ये तीनों का है, पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा टेनोफोरा, फिर प्लैटीहेलमिंथस एस्केलमिंथस, फिर एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का, और लास्ट में इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा, ओके? तो कौन सा सॉन्ग में बिठा रहे हैं आपको भी थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। चले रेडी, और मेरे पीछे आपको फिर गाना हर स्टैंजा मैं जब कंप्लीट करूंगा उसके बाद में मैं थोड़ा गुनगुनाऊंगा, उस टाइम पे आपको क्या है स्पीक करना है। तो दो दो बार हम लोग हर स्टैंजा को पहले प्रैक्टिस करेंगे और फिर एक साथ पूरा सॉन्ग कंप्लीट करेंगे, ओके स्टूडेंट्स? चलिए रेडी स्टार्ट। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस एस्केलमिंथस, प्लैटीहेलमिंथस एस्केलमिंथस, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा। चलिए चारों स्टैंजा हो गया। तो अगर आप चाहते हैं तो वापस यू कैन सी रिवाइंड कीजिए और फिर से चार स्टैंजा को इसी पैटर्न में कीजिए। चलिए एक साथ पूरा सॉन्ग कंप्लीट करते हैं और मेरे पीछे अभी आपको गाना है, मैं गुनगुनाऊंगा नहीं, आपको पीछे गाना है। तो एक दो बार करेंगे आपके माइंड में यू कैन सी फिट बैठेगा। जो रेडी स्टूडेंट्स? तो चलिए। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस एस्केलमिंथस, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा। हो गया? तो फिर से एक बार और। चलिए। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस एस्केलमिंथस, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा। चलिए अभी मेरे पीछे का ये मैं अभी आवाज एकदम यू कैन सी हमिंग साउंड निकालूंगा, आपको उसको फॉलो करना। Okay students, I think with that you can see you will be able to remember or memorize all these 10 phylums. तो एक बार और कर लेते हैं, isn't it? तो चलिए आपको एक मिनट देता हूँ, जरा फिर से इसको एक बार memorize कर लीजिए, देख लीजिए आपको आता है कि नहीं। फिर last बार हम लोग इस song को एक बार फिर से मेरे पीछे आपको गाने। तो रेडी स्टूडेंट्स? आई थिंक इट्स ओवर। चलिए। पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथस एस्केलमिंथस, एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलुस्का, इकाइनोडर्मेटा
हेमिकोरडेटा इकाइनोडर्मेटा हेमिकोरडेटा। चलिए हो गया बैट, आई होप यू कैन सी। आई गारंटी देता हूँ मैं आपको इसी पैटर्न से अगर आप बैट करेंगे, और यू कैन सी मेरा तो सुर है नहीं इतना अच्छा, लेकिन आप, मैं जानता हूँ यू कैन सी आर मोर, यू कैन सी वॉट एक्सपर्ट इन सिंगिंग द सॉन्ग, ओके, बिकॉज आई गॉट सम यू कैन सी टेक्निकल प्रॉब्लम ऑल्सो, ओके। लेकिन आप इस पैटर्न को फॉलो कीजिए, और यू कैन सी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि कैसा लगा ये सॉन्ग, ओके, और वेदर यू वर बेनिफिटेड ऑफ दिस, और अगर हो सके तो नेचुरली मुझे गाना सुनाइए जरूर, ओके। तो ये तो हो गया पहला पैटर्न सॉन्ग का। अब दूसरा पैटर्न है वेरी शॉर्टकट, तो इस सीक्वेंस को, ये जो वर्ड्स है, पॉलीफेरा सिलेंटेटा टीनोफोरा प्लैटियल मेंथर्स एस्केल मेंथर एनेरिडा अर्थोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकोरेटा, इसको हम लोग किस तरह सीक्वेंस में शॉर्ट में कैसे यू कैन सी ऐड करें, तो उसका एक तरीका है। तो हम लोग फर्स्ट लेटर को यूज करके कोड जैसा बनाते हैं। तो फर्स्ट लेटर को सबसे पहले देते हो, ये है आपका पी, फिर है सी। तो हर वर्ड का पहला लेटर पहले हम लोग थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। तो इसके तीन ग्रुप्स बनेंगे अभी, तीन ग्रुप्स। वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, तो फॉलो कीजिए। पी सी सी पी ए एम ई एच, पी सी सी पी ए एम ई एच, पी सी सी पी ए एम ए एच, पी सी सी पी ए एम ई 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 एच। हो गया स्टूडेंट्स, तो आई थिंक यू सी दिस इज ऑल्सो वन वे बाय विच यू कैन लर्न द सीक्वेंस ऑफ द 10 phylums, ओके। आई थिंक दैट यू कैन सी, नाउ यू कैन सी यू हैव लर्न नॉट ओनली द 10 phylums प्रॉपरली, उनको प्रॉपर प्रोनाउंस भी यू कैन सी आपको समझा होगा, साथ में यू मस्ट हैव ऑल्सो एंजॉय। तो गुनगुनाइए, और यू कैन सी मेरे से अच्छे तरीके से इसको गुनगुनाइए, और यू कैन सी इंजॉय कीजिए, ओके स्टूडेंट्स। तो बाय फॉर टुडे, इन द अपकमिंग वीडियोस और कुछ कॉन्सेप्ट्स को मैं इसी तरीके से, वेदर सॉन्ग होगा या कुछ दूसरा तरीका होगा, आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, ओके। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जरूर कमेंट जरूर कीजिए, और मुझे बताइए ये सॉन्ग आपको कैसा लगा, सो द नेक्स्ट टाइम यू कैन सी माय परफॉर्मेंस विल बी मच बेटर, ओके। जो भी मैंने तैयारी की है तो उसको मैं और डिफरेंट अंदाज से आपके सामने लाऊंगा, दैट्स माय गारंटी, ओके स्टूडेंट्स। बाय फॉर टुडे एंड इवन टेक, ओके। तो जिन्होंने यू कैन सी प्रीवियस यू कैन सी वीडियो नहीं देखा वो देख सकते हैं, ओके। और आज के लिए इतना ही, बाय बाय स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन सी व्हाट स्लाइड आल्सो एंड कीप इट यू कैन सी फॉर योर रेफरेंस, ओके। बाय स्टूडेंट्स, तो जाते जाते फिर से एक बार गाना हो जाता है गाना हो जाए तो 1 2 3 पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लैटिहेलमिन्थेस एसिहेलमिन्थेस एनालिडा अर्थोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकोरडेटा पॉलीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लैटिहेलमिन्थेस एसिहेलमिन्थेस एनालिडा अर्थोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकोरडेटा इकाइनोडर्मेटा हेमिकोरडेटा। बाय बाय फ्रेंड्स, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।